नमस्कार, लर्न एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लिस्ट लेकर आए हैं। 26 जनवरी 1950 से अभी तक कितने चीफ जस्टिस हुए हैं? अभी 48 चीफ जस्टिस हुए हैं और 48वें नंबर पर एन वी रमन्ना हमारे चीफ जस्टिस हैं। तो शुरुआत से हम देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 से कौन कौन से चीफ जस्टिस अभी तक रहे हैं और उनके कुछ स्पेशल फीचर को भी हम यहां पे जानेंगे, जो कि आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें सबसे पहले है हीरालाल जयकिशन कानिया, जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस हुए हैं, यानी कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, बने हैं, और वो 6 नवंबर 1951 तक रहे हैं। और ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही डाइड, उनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। तो इस प्रकार जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हीरालाल जकानिया, उनकी अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद एमपी शास्त्री 1951 से 54 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। यहां पर आप देखिएगा कि ये जो हीरालाल जी कानिया है हमारे फर्स्ट सीजीआई, जो जिनका कि 1951 में डेथ हो गया था ड्यूरिंग हिज टेन्योर अपने कार्यकाल के दौरान में, ये शॉर्टेस्ट लिव्ड सीजीआई रहे हैं, जो मतलब सबसे कम आयु तक जीवित रहने वाले, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है 61 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। 61 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। उसके बाद एमपी शास्त्री सीजीआई हुए हैं 1951 से 54 तक, और इन्होंने करीब 2 साल 57 दिन तक ये सीजीआई रहे हैं। थर्ड नंबर पर मेहरचंद महाजन है, 1954 में हुए हैं ये लगभग 352 डेज तक सीजीआई रहे हैं। इसके बाद बीके मुखर्जी जो कि 1954 से 56 तक सीजीआई रहे हैं, ये 1 साल 39 दिन, यानी कि 39 डेज तक, 1 ईयर 39 डेज तक ये सीजीआई रहे हैं। इसके बाद जो है सुधीर रंजन दास हैं, जो कि फरवरी 1956 से सितंबर 1959 तक सीजीआई रहे हैं, यानी कि 3 साल और 241 दिन तक। इसके बाद आप देखेंगे बीपी सिन्हा, ये 1959 से 1964 तक सीजीआई रहे हैं, 4 साल 122 दिन इनका पीरियड रहा है। और उसके बाद पीबी गजेंद्र गढ़कर हैं, 1964 से 1966 तक ये करीब 2 साल 42 दिन तक सीजीआई रहे हैं। और इसके बाद एके सरकार हैं, जो कि 1966 में सीजीआई रहे हैं, ये सिर्फ 105 दिन तक सीजीआई रहे थे। और इनका एक खास बात यह है कि ये सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनकी मृत्यु जो है करीब 100 वर्ष की आयु पर हुई थी। उसके बाद कोका सुब्बा राव हैं, 1966 से 67 तक 285 दिन का इनका पीरियड है। और उसके बाद कैलाश नाथ वांचू हैं, 1967 से 68 तक इनका 318 दिन का पीरियड है। इसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं, 1968 से 1970 तक
दो साल 294 दिन का पीरियड है, और ये फर्स्ट मुस्लिम सीजीआई थे इंडिया के, यानी कि माइनॉरिटी और मुस्लिम कम्युनिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो मिस्टर हिदायतुल्ला थे। और हमने पहले जो एक प्रेसिडेंट का लिस्ट बनाया था उसमें हमने बताया था कि ये जो है इंडिया के दूसरे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, मतलब दूसरे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे ये, और कोई किसी सीजीआई के द्वारा एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करने का ये पहला उदाहरण था। पहले सीजीआई थे जिन्होंने एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट भी काम किया था। इसके बाद जयंती लाल छोटा लाल शाह हैं, 1970 से 71 तक 35 डेज का इनका पीरियड रहा है। 13th नंबर पर, 13वें नंबर पर सर्वमित्र सीकरी हैं, 1971 से 73 तक इनका वर्किंग पीरियड है, 2 साल 93 दिन तक इनका वर्किंग रहा है। और इसके बाद अजीतनाथ रे हैं, 1973 से 77 तक सीजीआई रहे हैं। इसके बाद मिर्जा हमीदुल्ला बेग हैं, जो कि 1977 से 78 तक सीजीआई रहे हैं, 1 साल 24 दिन करीब। और 16वें नंबर पर यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं, जो कि 1978 से 85 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, और इनका पीरियड जो है करीब 7 साल 39 दिन का रहा है, मतलब 7 ईयर एंड 139 डेज का। और ये अभी तक के किसी भी सीजीआई का लॉन्गेस्ट पीरियड है, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई है ये। इतने लंबे समय तक कोई भी अभी तक इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती हैं, जिन्हें कि पॉपुलर, इनको पॉपुलरिटी जो है पीएन भगवती के नाम से ज्यादा जाना जाता है। 1985 से 86 तक रहे हैं, 1 साल 161 दिन तक। और इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद याचिका की शुरुआत की थी, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और इसके बाद रघुनंदन स्वरूप पाठक हैं, 1986 से 89 तक ये सीजीआई रहे हैं। आरएस पाठक, 2 साल 209 दिन का इनका पीरियड है। ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट गोपाल स्वरूप पाठक के बेटे थे, गोपाल स्वरूप पाठक जो कि 1969 से 74 तक वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और ये रघुनंदन स्वरूप पाठक जो है आफ्टर रिटायरमेंट जो है ये आईसीजे, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हैग में है, उसके मेंबर बन गए थे। तो ये 1989 से 91 तक आईसीजे के मेंबर रहे थे रघुनंदन स्वरूप पाठक। इसके बाद ईएस वेंकट रमैया हैं, जून दिसंबर 1989 में रहे हैं, 181 दिन का इनका पीरियड है, और कर्नाटक से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इसके बाद सव्यसाची मुखर्जी हैं, 1989 से 90, 281 दिन का पीरियड रहा है। इसके बाद 21st नंबर पर रंगनाथ मिश्रा हैं, जो कि 1990 से 91 के बीच सीजीआई रहे हैं, 1 साल 59 दिन का इनका पीरियड रहा है। और सीजीआई के बाद जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना है, तो अक्टूबर 1993 से नवंबर 1996 तक ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पहले चेयरमैन रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NHRC ऑफ इंडिया। और रंगनाथ मिश्रा जी जो है वो 1982 में उड़ीसा के गवर्नर भी रहे हैं, और इसके बाद जो है 85 में, जब 84 में सिख दंगे हुए थे, तो उसकी जांच के लिए जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना था तो उसके हेड यही थे, 1985 में कमीशन बना था। 22nd नंबर पर जो सीजीआई है वो है कमल नारायण सिंह, ये नवंबर दिसंबर 1991 में सीजीआई बने हैं। 17 डेज का पीरियड है इनका, ये स्पेशल फीचर है और काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। मात्र 17 दिन तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट पीरियड वाले ये सीजीआई हैं इंडिया के। और ये जो बाद में 13th लॉ कमीशन बना था, उस 13th लॉ कमीशन के ये चेयरमैन भी रहे थे। तो इसमें जो चंद्रचूड़ हैं, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जिनका की लॉन्गेस्ट पीरियड है 7 ईयर 139 डेज, और शॉर्टेस्ट पीरियड जो है अभी तक का वो कमल नारायण सिंह का है 17 डेज का। 23rd नंबर पर मधुकर हीरालाल कानिया है, ये 91 से 92 तक रहे हैं, 340 दिन का पीरियड रहा है इनका। ये हीरालाल जे कानिया जो हमारे फर्स्ट सीजीआई थे उनके बेटे थे ये, मधुकर हीरालाल कानिया,
23rd नंबर के सीजीआई जो है वो हमारे फर्स्ट सीजीआई के बेटे थे। इसके बाद 24th नंबर पर ललित मोहन शर्मा है, 92 से 93 तक रहे हैं, 85 डेज का इनका पीरियड रहा है। और 25th नंबर पर एमएन राव वेंकट चलैया है, 25th नंबर पर ये एमएन राव वेंकट चलैया 1993 से 1994 तक ये सीजीआई है इंडिया के। और एनएचआरसी के ये सेकंड चेयरमैन रहे थे 1996 से 1999 तक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ये दूसरे अध्यक्ष रहे थे। इसका 26 नंबर पर अजीज मुसफ्फर अहमदी है, एएम अहमदी, जो कि 1994 से 97 तक ये सीजीआई रहे हैं 26 नंबर पर। इनका करीब 2 साल 150 दिन का पीरियड रहा था और ये बाद में जो है रिटायरमेंट के बाद ये एएमयू के चांसलर भी बने थे और एज ए एएमयू चांसलर इन्होंने 2 टर्म कंप्लीट किए थे एज ए एएमयू चांसलर 2003 से 2010 के दौरान। इस बार 27th जो नंबर के सीजीआई है हमारे जगदीश शरण वर्मा, जेएस वर्मा, 1997 से 98 तक रहे हैं, 298 डेज का वर्किंग पीरियड रहा है इनका। थर्ड चेयरमैन भी ये बने थे एनएचआरसी के 1999 से 2003 के दौरान। 28 नंबर पर है मदन मोहन पुंछी, जनवरी से अक्टूबर 1998 के बीच में ये 264 दिन के लिए सीजीआई बने थे। और 29 नंबर पर है आदर्श सेन आनंद एएस आनंद, 1998 से 2001 के बीच में ये सीजीआई रहे हैं और एनएचआरसी के ये 4th चेयरमैन रहे थे, यानी कि 2003 से 2006 के दौरान चौथे ये अध्यक्ष थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। 30वें नंबर पर हैं सैम फिरोज भरूचा, जो कि 2001 से 2002 के दौरान सीजीआई रहे हैं। और इसके बाद 31st नंबर पर हैं बीएन कृपाल, जो कि सन 2002 में ये सीजीआई रहे थे 185 दिन के लिए, और ये जो है इंडियन फॉरेस्ट कमीशन के प्रेसिडेंट भी रहे थे बीएन कृपाल, यानी कि भूपेंद्र नाथ कृपाल। 32 नंबर के जो सीजीआई हैं गोपाल बल्लभ पटनायक, ये नवंबर से दिसंबर 2002 में 40 दिन के लिए सीजीआई बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 33 नंबर पर हैं विश्वेश्वर नाथ खरे, ये 2002 से 2004 के दौरान रहे हैं, 1 साल 134 दिन के लिए सीजीआई। 34 नंबर पर एस राजन बाबू हैं, 2004 में ये सीजीआई रहे थे एस राजन बाबू, 29 डेज के लिए थे ये, और बाद में एनएचआरसी के 5वें चेयरमैन ये बने थे 2007 से 2009 के दौरान। 35 नंबर पर रमेश चंद्र लाहौटी हैं, ये 2004 से 2005 के दौरान सीजीआई रहे हैं 1 साल 152 दिन के लिए। 36 नंबर पर योगेश कुमार सब्बरवाल हैं, 2005 से 2007 के दौरान सीजीआई रहे हैं 1 साल 73 दिन के लिए। और 37 नंबर पर केजी बालकृष्णन हैं, जो कि 2007 से 2010 तक सीजीआई रहे हैं, यानी कि 3 साल 118 दिन के लिए। और इनका जो स्पेशलिटीज है कि ये केरल से सीजीआई बनने वाले पहले जज हैं, फर्स्ट जज फ्रॉम केरला टू बी सीजीआई, और बाद में ये एनएचआरसी के 6वें चेयरमैन भी बने हैं 2010 से 2015 के दौरान। और ये पहले दलित मुख्य न्यायमूर्ति हैं सर्वोच्च न्यायालय के, यानी कि फर्स्ट दलित सीजीआई हैं इंडिया के ये केजी बालकृष्णन। एस एच कपाड़िया, जो कि 2010 से 2012 के बीच भारत के 38 नंबर के सीजीआई रहे हैं, 2 साल 139 दिन का इनका पीरियड रहा है। ये जोरास्ट्रियन थे, पारसी थे जोरास्ट्रियन। और इनके स्पेशल फीचर ये है कि आजाद भारत में, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जिनका बर्थ हुआ हो, वो पहले सीजीआई थे ये एस एच कपाड़िया, आजादी के बाद पैदा होने वाले ये पहले सीजीआई रहे हैं, क्योंकि इसके पहले के सारे जितने भी सीजीआई हुए वो सब 15 अगस्त 1947 से पहले के पैदा हुए थे। और एस एच कपाड़िया का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29th सितंबर 1947 है और 4 जनवरी 2016 को इनका डेथ हो गया था, 4 जनवरी 2016 को। 39th नंबर पर अल्तमस कबीर हैं, 2012-13 के दौरान ये सीजीआई रहे हैं 292 दिन के लिए, 292 डेज के लिए। 40वें नंबर पर पी सत्यशिवम है, 2013-14 के दौरान ये 281 दिन के लिए सीजीआई बने हैं। और ये जो है
बाद में केरल के गवर्नर भी रहे हैं, 21st गवर्नर ऑफ केरला 2014-19। यानी कि ये पहले ऐसे फॉर्मर सीजेआई हैं जो कि किसी स्टेट के गवर्नर रहे हैं। पी सत्यशिवम, आरएस लोढ़ा 41वें नंबर पर, अप्रैल से सितंबर 2014 के दौरान सीजेआई रहे हैं 153 दिन के लिए। 42वें नंबर पर एच एल दत्तू हैं जो कि 2014 से 15 के लिए 1 साल 65 दिन के लिए सीजेआई रहे हैं। और एनएचआरसी के 7वें चेयरमैन बने थे एच एल दत्तू आफ्टर रिटायरमेंट। 43वें नंबर पर तीरथ सिंह ठाकुर हैं, 2015 से 17 के बीच में सीजेआई रहे हैं 1 साल 31 दिन के लिए। ये जो आसाम के फॉर्मर गवर्नर थे देवीदास ठाकुर, उनके बेटे थे। और 44वें नंबर पर हैं जगदीश सिंह खेयर, जनवरी अगस्त 2017 में ये सीजेआई रहे हैं, 235 दिन के लिए रहे हैं ये। और ये देश के पहले सिख सीजेआई थे, सिख कम्युनिटी से सीजेआई बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। दीपक मिश्रा 45वें नंबर पर हैं सीजेआई, जो कि 2017 से 18 के दौरान 1 साल 35 दिन के लिए सीजेआई बने हैं। ये जो हमारे 21 नंबर पर सीजेआई थे रामनाथ मिश्रा, उनके ये भतीजे थे। 21 सीजेआई जो थे रामनाथ मिश्रा, जो कि 1990-91 के दौरान सीजेआई थे, उनके भतीजे हैं दीपक मिश्रा, जो कि 2017-18 के दौरान 1 साल 35 दिन के लिए सीजेआई रहे हैं। 46 नंबर पर हैं रंजन गगोई, जो कि 2018-19 में सीजेआई रहे हैं 1 साल 45 दिन के लिए। ये आसाम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसी गगोई के बेटे थे। और 47th नंबर पर शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो कि 2019 से 2021 तक 1 साल 1 ईयर 156 डेज के लिए सीजेआई रहे हैं। और करंट में 48th नंबर पर यानी 48वें नंबर पर एनवी रमन्ना है, जो कि 24 अप्रैल 2021 से अभी वर्तमान में भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायमूर्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार अभी तक कुल 48 जो है सीजेआई हुए हैं हमारे देश में। और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो भी हमने आपको बताया है। तो आगे हम और इम्पोर्टेंट दूसरी लिस्ट आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें कि लोकसभा अध्यक्ष की लिस्ट है और वित्त आयोग के चेयरमैन की लिस्ट है। इस तरह की और भी लिस्ट है, वो हम आपके लिए लाएंगे, जो कि बहुत सारे एग्जाम में, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो या नेशनल लेवल का, सभी में पूछी जाती है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।